पटना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को सीएम बनाना चाहते हैं, इस जाकर का बेटा बनने लायक, पढ़ा लिखा है मेरा बेटा। संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है, नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। इसे संतोष को मुख्यमंत्री जीतन राम अपनी बेटी पद के लिए प्रोजेक्ट करते हुए जीतन राम मांझी ने इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला बोला। मांझी ने ये भी कह दिया पढ़ा लिखा मंत्री पद के उम्मीदवार को भी पढ़ा सकता है। मांझी ने ये भी कहा कि समस्या सिर्फ ये है कि वे भुइया समाज से आते। पहले सुनिए मांझी ने जो समाज और ट्रस्ट है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए तरह की सरकार आई लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या कहूँ। लेकिन वो बना आज संतोष पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो सरकार कैसे होगा। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित कर जीतन राम मांझी की नई डिमांड से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है। है कि वे मांझी की मांग को आखिर खारिज करें तो कैसे, लिहाजा जनता की पसंद का सवाल उठाया जा रहा है। देखिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना मंत्री बनने की योग्यता, अपनी शिक्षा के लिए ही जाना जाता है, ज्ञान की भूमि है, सभी लोग मुख्यमंत्री बनने के योग्य हो जाते हैं। सबसे ज्यादा IIT अंश IAS तो यहीं से निकलते हैं, सिर्फ उसे योग्यता कैसे आप मान लें। जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि ठीक है भाई, उनके बेटा संतोष मांझी जी पढ़े लिखे आदमी है तो उन्हें संघर्ष करना चाहिए, इसलिए अपना जनाधार बढ़ना चाहिए। जो जनता के बीच होगा, जिसका जनाधार होगा, वो स्वयं राजनीति में आगे बढ़ता जाएगा, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा महत्वाकांक्षा किन्हीं के भी अंदर हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ही बन सकते हैं जिनको जनता अपना आशीर्वाद दे, अपना मैंडेट दे। सिर्फ कह देने मात्र से, अपनी इच्छा जाहिर कर देने से नहीं होता है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो अपने लड़के संतोष मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने की भावना व्यक्त की है तो एक सामान्य सी बात है। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका लड़का आगे बढ़े, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर जाए, और एक पिता के रूप में उनकी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। दरअसल मांझी अभी गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं। दावा ये है कि गरीबों की बात वो सुन रहे हैं और उनकी आवाज सीएम तक पहुंचाएंगे। जो अधिकारी पहुंचने नहीं देते, इसी बहाने मांझी अपने बेटे को सीएम पद का योग्य उम्मीदवार भी बता रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कभी बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तो कभी बीजेपी खेमे के कई नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय जब उनसे पूछी गई तो नीतीश कुमार सीधे सीधे इस तरह की बातों को बकवास बताते नजर आए और कहा कि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं या सोचते हैं
वे देश को खत्म करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है उसे ही माना जाना चाहिए। किसी की बात तमाम ऑपोजिशन पार्टी से चुनाव पहले राष्ट्र की 24 के चुनाव संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर के किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर बिहार में भी सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद उनके मंत्रियों ने भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर आपत्ति जाहिर की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत गांधी का देश बनेगा या गोडसे का, ये देश की जनता तय करेगी। तो पीएचईडी मंत्री ललित यादव ने कहा कि ये देश पहले से ही हिंदुस्तान है। तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। बापू के सपनों का देश बनाना है कि गोडसे का देश बनाना है, ये देशवासी तय करेगा। राष्ट्रपिता बापू के सपनों का देश बनाना है कि नफरतवादी गोडसे के सपनों का देश बनाना है, वो आपको तय करना होगा, देशवासी को तय करना होगा। पहले ही से हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्या नया एक नारा दे रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान है, इसका नाम ही हिंदुस्तान है, तो दूसरा फिर हिंदू राष्ट्र का क्या है? हम लोग तो हिंदुस्तान में है ही, ये हिंदुस्तान है ही। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि ये है, बनना क्या चाहिए, तो ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र। हम तो कह रहे हैं कि ये है, बनना क्या चाहिए, तो ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र। सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार कोई वैल्यू नहीं देते। सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों की नोटिस लेने की जरूरत ही नहीं है, सरकार किसानों के लिए पूरा काम कर रही है। लगातार बयानबाजी कर महागठबंधन को टेंशन देने वाले सुधाकर सिंह से सीएम नीतीश कुमार अब नाराज दिख रहे हैं। पत्रकारों ने जब सीएम से सुधाकर सिंह पर सवाल किया तो सीएम ने कहा कि किसी को नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। तल्ख अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको पता है कि हमारी सरकार ने किसानों के हित में कितना काम किया है, कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान नहीं दीजिए। सुधाकर सिंह विधायक है सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कैसे देखें? किसानों के लिए काम है, किसी का नोटिस ले रहे हैं? आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है? कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? आप किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। सीएम यही नहीं रुके, सुधाकर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि पार्टी में उनकी हैसियत बढ़ेगी और वो नेता बन जाएंगे, लेकिन मेरे खिलाफ बोलकर वो कभी नेता नहीं बन सकता। क्या करें हम, उसको कोई मतलब है? बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा, तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता बने, हमारे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। दरअसल पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने गुरुवार को कहा था कि नीतीश कुमार कुछ भ्रष्टाचारियों, अधिकारियों और गुंडों के लिए सरकार चलाते हैं, किसानों और मजदूरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ, वो सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है, पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीतकर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहते हुए भी बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया और पार्टी ने नोटिस भी जारी किया था। इसके बावजूद सुधाकर सिंह के तेवर कम नहीं हो रहे। कैमूर से अभिनव के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर महागठबंधन में घमासान छिड़ा हुआ है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जहां अपनी ही पार्टी के विधायक पर
कुछ भी साफ साफ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता सुधाकर सिंह पर आरजेडी का एजेंडा चलाने का आरोप लगाकर निशाना साध रहे हैं। कोई पता नहीं है कि इस देश में शायद बिहार ही ऐसा राज्य है आप उंगली ऐसे जहाँ पे किसानों के लिए सबसे ज्यादा जो है सब्सिडी लेकर के बहुत सारी चीजें। अब लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, जो कुछ बोलना है बोलते रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में डिप्टी सीएम और सीएम ये दोनों के अलावा देश के किसी भी राज्य में किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं चलती हैं। देखिए, सुधाकर सिंह हो या चंद्रशेखर जी हो या आलोक मेहता जी हो, ये राजद के छुपे हुए एजेंडे के लोग हैं और ये तब तक चलाएंगे अपना अभियान जब तक मुख्यमंत्री का कुर्सी राजद को नहीं मिलता है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी ने कहा कि सबको एक साथ आना होगा, तभी दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर होगी। जो है ये लोगों को सत्ता से हटाने का काम करना, लेकिन सत्ता से तभी हटेंगे जब हम सब लोग एक होकर मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को खड़ा करेंगे, लोगों को मान सम्मान प्यार बांटेंगे, तभी जाकर के हम लोग जो है जीत हासिल कर सकते हैं। तैयारी अपने 2024 की जो है आप लोग कीजिए, और ज्यादा दूर नहीं है। बिहार की धरती अगर चाहेगी तो इनको जो है दिल्ली के गद्दी से उतारने का हम लोग जो है बल रखते हैं। भोजपुरी गानों में अश्लीलता के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर अश्लील गाना गाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। इसे लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो कुछ भी अब निर्णय लेना होगा तेजस्वी यादव लेंगे, डिप्टी सीएम लेंगे, तो अब तो मुख्यमंत्री जी की बात का मतलब है कि अब शायद सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव काम करेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पे लग रहा है उनकी बातों से तो बाकी लोग क्या बोलेंगे उसमें। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो कुछ भी कहीं कोई है तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। अब गौर करना ही आदमी छोड़ दे तो कैसे होगा। लेकिन अब सुधाकर जी भी जिस तरह से बोल रहे हैं मुझको नहीं लगता कि बहुत मुनासिब तरीके से बोल रहे हैं सुधाकर जी, ऐसा भी नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, भयंकर ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम की भूमिका में नीतीश कुमार हैं जबकि सीएम की भूमिका में तेजस्वी यादव। और अब बात उस भोजपुरी की, जिस भोजपुरी का कभी स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन उसी भोजपुरी के गानों में अश्लीलता के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम का एक बड़ा असर। मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया, क्या है वो आदेश, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भोजपुरी फिल्मों में अश्लील और जाति सूचक गाने के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बिहार में महाशिवरात्रि और होली पर अश्लील और जाति सूचक गाने बजाने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। पुलिस प्रशासन के जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ गायक भोजपुरी गानों में अश्लील, जाति सूचक, महिला और जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे गायक अपने गानों में किसी जाति का महिमा मंडन करते हैं तो किसी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। इस तरह के गानों से सामाजिक सद्भाव, माहौल बिगड़ने की संभावना होती है। ऐसे में अश्लील और विद्वेष फैलाने वाले गानों पर रोक लगाना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने राज्य के सभी लोगों से समाज में सद्भावना बनाए रखने की भी अपील की है। अगर कोई अश्लील गाना की संगीत कार्यक्रम आयोजन अगर होता है और उसकी वजह से कहीं पर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है,
या कोई और काम दर्ज होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई। ये सवाल ये है सर, देखिए आपके माध्यम से आम जनता से जो अनुरोध है उसको मैं पुनः अंकित कर रहा हूँ कि गीत संगीत या कोई भी इस तरह का आप प्रसारण करते हैं के बीच में कोई क्लिप चलाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरी तरह से वो लोगों की भावनाओं से उत्तेजित ना करे, किसी वर्ग या संप्रदाय या धर्म के ऊपर में कोई कटाक्ष नहीं हो और पूरी तरह से शालीन। अब जो चीज़ शालीन नहीं है वो अश्लील हो जाएगी, उस पर कानून अपना काम करेगा। गानों के बेहुदा टाइप है। न्यूज एटीन बिहार झारखंड ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और ये गाने न सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि समाज में पूरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता और जाति सूचक गानों के खिलाफ न्यूज एटीन बिहार झारखंड की मुहिम का अब बड़ा असर हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने अश्लील भोजपुरी गाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। प्रशासन के इस पहल से भोजपुरी गीतों के उम्मीद बधी है। पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के विरोध में आत्मदाह करने वाले अनिल कुमार साव ने इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद परिवार अब गम और गुस्से में डूबा है। वहीं परिवार के लोगों ने इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा किया। सिटी में गुरुवार को रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल और आत्मदाह करने वाले दुकानदार अनिल साव की मौत के बाद अब इस मामले में परिजनों ने बड़ा दावा किया है कि अनिल साव में आग नहीं, किसी दुश्मन ने जानबूझकर थिनर डालने के बाद आग लगा दी थी। बोले हम लोग बोले कि आप हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट है, उसी पर उखड़ गए और तेल का डब्बा हुआ सारा फेंकना स्टार्ट कर दिए जो थिनर था, और कोई पीछे से आके इनका दुश्मन जो कि सुरेश चौधरी है वही आके दो लोग के साथ मार के चला गया। उसे आग नहीं लगाई। गुरुवार को जार बाग पूर्वी गुमटी के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। इसी बीच अनिल साव पर आत्मदाह का आरोप लगा था जिसमें वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। हालत बिगड़ता देख जब परिजन बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बाजार में सन्नाटा पसरा है, परिवार गम और गुस्से में डूबा हुआ है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक परिवार की परिजन सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ था तक क्या नहीं, वही अग्रेसिव थे। इस सारा घटनाक्रम का सबसे बड़ा दोषी वो आदमी और मनोज कुमार। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रशांत किशोर के बड़े बयान के साथ। नीतीश पर प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला बोला है। आरजेडी के हाथ में बिहार की सत्ता है, बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं आरजेडी के सत्ता में रहने से जंगल राज की वापसी। ये बड़ा बयान इस वक्त प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर बड़े हमले के साथ। नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है, जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासन काल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये उनकी पार्टी का चरित्र है। और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। गोपालगंज में मिठाई दुकानदार को गोली मारकर लूटपाट किए जाने के विरोध में धर्मपरसा बाजार को आज व्यवसायियों ने बंद रखा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक की तलाश जारी है। वहीं इस घटना के पीछे एसपी ने जमीन का विवाद और पैसे के लेन देन की बात कही।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।